अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं राय सलीम। आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं ब्लैक गोल्ड के नाम से, इसका नाम है सराजीत। सराजीत को लेकर हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि वो मर्दाना ताकत में इस्तेमाल होता है और ये हो जाता है और वो हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हड्डी और जोड़ के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत गर्म होता है, बहुत सेहत के लिए मुफीद है। अच्छा, ये कितना खालिस होता है कितना नहीं होता है, इसके हवाले से हम बात करेंगे हकीम शाहदेवी साहब से। साथ वालेकुम अस्सलाम शाह सर, ये रहते होता है कि सराजीत होता है शिराजीत होता है? जी। इसका नाम सलाजीत है और इसे इंग्लिश में और यहाँ इंडियन लोग शिलाजीत बोलते हैं, शिराजीत बोलते हैं। शिलाजीत बोलते तो हैं सर ये ब्लैक गोल्ड लिखा हुआ है, इसको जी। जरा ब्लैक खोल के गोल्ड यानी दिखाएंगे, है काला क्या सोना, काला सोना? कहते हैं सोना काला सोना। और ये इसकी पैकिंग्स होती हैं और ये है सलाजीत। दिखाएं, जरा क्लोज करके दिखाएं भाई। ये देखिए आप, ये ओरिजिनल है। इसकी स्मेल चाहता सबसे कि कुछ मेन चीज तारकोल है की तरह लग रहा है जी, मुझे। बिल्कुल तारकोल की तरह लगता है ये। और दूसरा ये आपने एक माश की दाल के दाने के बराबर, ये तो मैं ज्यादा दिखा रहा हूं, इससे कम होना चाहिए, एक माश की दाल के दाने के बराबर एक ग्लास दूध में मिला के एक टाइम रोजाना पिए और फिट रहें। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बेशुमार, इसमें मिनरल्स का खजाना है ये। इसके अंदर आपको आयरन भी मिलेगा, इसमें प्रोटीन भी मिलेगी, विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी है, इसमें जिंक भी है। जिंक जो है वो मर्दानी कुव्वत के लिए बहुत बेहतर होता है, इसमें विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन के जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, इसमें आयरन, खून की कमी ये वो उसके भी ये बेहतर है, इसमें पोटाशियम भी है। और इसकी जो बाकी चीजें हैं यानी इसमें जिनसिंग के असरात हैं जो तमाम जिस्म की ताकत के लिए बहुत बेहतर है ये। और आमतौर पर भी ये इसका प्योर आने का ये है कि इसे किसी भी लेबोरेटरी में आप टेस्ट करवा लें, ये 100% प्योर है। ये आपको रोडों पे, फुटबाथों पे ये 100-100 रुपए की मिल जाएगी, 200-200 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन वो प्योरिटी नहीं होगी। आप 2 पैसे ज्यादा खर्च करें, चीज ओरिजिनल लें, आप देखें रिजल्ट। दूसरी चीज, इसकी खुशबू ही अलग होती है। जो जारी बात है, आप एक उम्मीद के साथ ले रहे होते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं। ये इसके दूसरा बेनिफिट ये है कि जैसे अर्थराइटिस पेन होता है, L4 L5 के दर्द होते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है जिनकी हड्डी टूट जाती है, ये हड्डी को जोड़ने में भी मदद देती है। शाह साहब, इसका तो हर जी हाँ, चीज का इलाज है ये सर, हर चीज का इलाज है। और पाकिस्तानियों ने एक ही मामले से जोड़ा हुआ है। हाँ, इसको एक ही मामले में जोड़ा हुआ है। ये उस मामले के अलावा इसके और भी बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल आप इसे ट्राई कीजिए। और ये सर्दी और गर्मी दोनों में इस्तेमाल होती है, आप इसको ट्राई कीजिए। ये टूटी हुई हड्डी को भी जोड़ती है, इसके अलावा तमाम जिस्म को ताकत भी देती है और पट्ठों को मजबूत करती है। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, इसको तमाम लोग ले सकते हैं, मर्द और खवातीन दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और हड्डियों का दर्द रहता हो या आम जिस्मानी कमजोरी फील हो। अब ये बताएं कि आपने जो बताया है कि ये जो असली वाली है, तो असली वाली कहाँ से मिलेगी? नहीं, हम तो पूरे कराची में, कराची में हम तो पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेके खैबर तक, पाकिस्तान से बाहर भी हम भिजवा रहे हैं। तो व्यूवर्स, आप सब ले रहे नजीर साहब का नंबर नोट कर लीजिए, इनके पास ओरिजिनल सलाजीत, शिलाजीत या सलाजीत मौजूद है, तो इनसे आपको मिल जाएगी। शासन नंबर बता दीजिए जी। मेरा नंबर है 0321-212-3429, इंटरनेशनल कॉलर्स 00928 कर लें, इन नंबर्स पे व्हाट्सएप भी मौजूद है। ठीक है शाह साहब, हमने सुना है बचपन से कि सराजीत जो है वो पहाड़ों का पसीना होता है। जी हाँ, ये सच्ची बात है, ये पहाड़ों में ही पाई जाती है, गिलगित बल्तिस्तान में, बदख्शान में और नेपाल की पहाड़ों पे भी पाई जाती है, पाकिस्तान के पहाड़ों पे, अफगानिस्तान के, यानी जहाँ पहाड़ी सिलसिले होंगे वहां पे ये पाए जाते हैं। इसकी सर्द इलाके तासीर गर्म होती है, इसकी तासीर गर्म होती है। और ये गर्मियों में पीने से पेट तो खराब नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, एक माश की दाल के बराबर तो इस्तेमाल होता ही है। और ये तकरीबन 18-20 साल से लेके 70 साल 80 साल वाले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज देखो, हड्डियों में, कमजोरी में, हर चीज में एक एज होती है, सबको तकलीफ होती है। जाहिर बात है आपकी ये तकलीफ दूर होगी, आप इसे रोक दीजिए। आपने कौन सा ये रोजाना खाना है या 10-10 महीने खाने? जगह पे मैंने ये भी पढ़ा है और सुना भी है कि खवातीन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, मतलब नहीं, खवातीन को बर्दाश्त नहीं होता ये? नहीं नहीं नहीं, एक माश की दाल के दाने के बराबर। देखो, खवातीन में घुटनों की दर्द होती है, कमर में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता ज्यादा है, उन्हीं के अंदर कहीं गिर जाती है, उनकी हड्डी टूट जाती है, तो ये इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट डाला हुआ है कि बर्दाश्त नहीं, इतनी कोई आग वाली चीज थोड़ी है। इसका मैं आपको खा के बता दूं ये। अच्छा, इसको इसको इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका क्या है? एक ग्लास दूध में 24 घंटे में एक बार, किसी भी टाइम, एक माश की दाल के दाने से ज्यादा इस्तेमाल ना करें आप। ठीक है, जो आप ज्यादा चने के दाने के बराबर ले जाएंगे, सारी बातें फिर। और हफ्ते में कितनी दफा? रोजाना एक टाइम करें, रोजाना रोजाना एक टाइम करें, जब आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए आप बंद कर दें। ठीक ठीक है, लेडीज और जेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी सब करें। लेकिन ये बच्चों को ना इस्तेमाल कराएं, जैसे 10 साल 12 साल 5 साल 8 साल के बच्चे या 14 साल के बच्चे, वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये 18 साल से लेके
70 साल वाले तक इस्तेमाल करें। ठीक है बहुत शुक्रिया सरदीप साहब। तो दोस्तों देखते रहिए ट्यून इन फोकस, अपना फीडबैक दीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देते रहिए। अल्लाह हाफिज़।